वाले जीन्स यानी रगों में है लटके झटके। आज पहली बार उनको परफॉर्म करना है अपने मामा जी के सामने और रखनी है उनकी नाक ऊपर। प्रेजेंटिंग हाउस स्ट्रीट डांस लिए रागिनी और नीरा। हाउस म्यूजिक मैंने सुना है पर हाउस डांस मैंने कभी नहीं सुना है, अब फिर से सीखना पड़ेगा कुछ नया। नया डांस फॉर्म में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है कि स्टाइल पकड़ने में, वो बॉडी लैंग्वेज आने में, फास्ट फुटवर्क में। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि चिची मामा झलक के सेट पर आ रहे हैं, उनके सामने एज अ परफॉर्मर मैं पहली बार परफॉर्म करूँगी, तो मुझे उस चीज का बहुत ज्यादा उत्साह है। मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ जाऊँ, मैं चाहे वहाँ जाऊँ। आई होप मैं चिची मामा को अपने एक्ट से खुश कर पाऊँ और मैं आई होप मैं आपकी नाक ऊंची कर दूँ। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलू ताला ताला ताला। माधुरी दीक्षित मिली रस्ते में, खाए चने हमने सस्ते में, उसने कहा तेरे संग शादी रचाऊं, घर तेरे आके में पराठे पकाऊं। Stop that! Definitely once more Ragini, that was fabulous. बहुत बहुत मजा आया। तो इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ आपके फैबुलस डांस के बारे में, हम तो सीधा जाएंगे चिची मामा के पास। वो सिर्फ मेरे चिची मामा है। अच्छा सॉरी, गोविंदा के पास। बताइए आपको कैसा लगा अपनी भांजी का ये डांस? आपका ये जो आप लोगों ने एक्ट किया, शुरुआत बहुत अच्छी लगी, और वो शुरुआत के बाद जैसे जैसे आप लोग करते चले गए वैसे वैसे आपकी एक्ट जो है वो बढ़िया होता चला गया, लेकिन कुछ स्टेप्स वाइज कुछ स्टेप्स अच्छी लगी, कुछ स्टेप्स जो है वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छी लगी, लेकिन एक्ट आप लोग दोनों ने जो किया वो बहुत बढ़िया था। वेरी गुड, वेरी गुड। रागिनी को मैं हमेशा कहती हूँ इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस हावी हो जाती है डांस पे और मैं सिर्फ एक्सप्रेशन देखते रह जाती हूँ रागिनी के, और इसमें भी बहुत अच्छा किया रागिनी, स्टार्टिंग टू एंड तक कहीं आपने एक्सप्रेशन नहीं छोड़ा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक नीरव ने भी अच्छा किया है पूरा कोरियोग्राफ, वेरी नाइस, आई लाइक दैट लिटिल बिट ऑन द स्टूल्स टू, इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट, और बहुत अच्छे तरीके से किया, वेरी नाइस रागिनी एज यूजुअल। जो ये जो बोलता है ना आपका, बहुत बहुत अच्छा बोलता है। I've become bouncy after doing this dance, you know? 3 दिन से मैं यही कर रही हूँ। रोमियो, सबसे पहले मैं नीरव को बोलूंगा कि नीरव, वेरी गुड कोरियोग्राफी, इट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच।
The start was really nice. House, more of leg movements. Top rock ke time pe there was few portions jahan pe Ragini was matching. Dikh rahi thi ki wo aapko pakad rahi hai. Usage of prop was very nice, Nirav. But yeah, that was nice. Thank you so much. But that also the second time jab aap gayi thi upar, wahan pe mujhe laga ki aap का एनर्जी नीचे ज्यादा एंड देन सडनली यू रियलाइज कि अरे मेरी हर टाइम जब भी मैं प्रॉप यूज करती हूँ मेरी एनर्जी ज्यादा एंड देन अगेन यू पिक्ड अप दैट वाज लाइक अगेन यू पिक्ड अप एंड देन आई फिनिश द होल थिंग वेरी नाइसली एंड रागिनी अब लग रहा है कि आप छलक के कॉम्पिटिशन में आ गई हैं. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. रागिनी फिर से कहो ना अब कर अब अभी आपने अभी कहा कि तीन दिन से आप क्या कर रहे थे. आई बिकम बाउंसी. दिखाओ फिर से. हाँ सो आई जस्ट वॉन्ट टू से Ragini and Nirav, you guys have bounced back into the thank game. You, thank you so much. Pichli baar hume comment mila tha ki humne zyada dance nahi kiya hai. To is baar main itna zyada dance kiya hai is baar matlab plan kiya is baar dance ke alawa aur kuch karna hi nahi hai. Thak gaye aap dance karke. वैसे हम सबको रागिनी का ये डांस बहुत अच्छा लगा लेकिन अब थोड़ा सा रागिनी के बारे में और जान लेते हैं ना. मामा जी आए हुए हैं तो हमें बताइए कि रागिनी बचपन में थी कैसे. ये शुरू से शांत थी मतलब शांत तो मुझे कभी लगती नहीं है. आउट ऑफ कंट्रोल थी ऐसे ही शुरू से मैड. रागिनी में जो बात है वो मुझे यही लगती है कि उसने कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि उसके कोई डांट पड़े या कोई उसने गलती की हो. ऐसा कभी किया ही नहीं उसने. शी इज अ वेरी गुड गर्ल. बहुत प्यारी. जब भी मिलती हूँ मैं तो मेरे सब कान की खिड़कियाँ खुली रहती हैं और मैं बस एक स्टूडेंट की तरह बैठी होती हूँ और सुनती हूँ कि क्या वो आज ऐसा कहेंगे और मैं उसे फट से पकड़ लूँगी और उसे अपने अंदर इम्बाइब कर लूँगी. तो इट रियली हेल्प्स एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू गॉड कि मैं आप जैसे एक्टर की और आप जैसे कलाकार की भांजी हूँ. थैंक यू सो मच. मुझे मुझे क्या एक और बार बाउंस करना है. हाँ प्लीज. जी मामा के साथ. ओहो ऑलराइट हो जाए. ए सुनो हमने कहा था कि नचवाना नहीं सालो. इस डांस को डांस नहीं समझना. एक घर की तरह थोड़ा सा फंस खेल देते हैं. मैं तो रास्ते से जा रहा था. मैं तो भेलपुरी खा रहा था. मैं तो लड़की घुमा रहा था. हाँ रास्ते से जा रहा था. भेलपुरी खा रहा था. लड़की घुमा रहा था. तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ. तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ. Was the wowest, awesomest performance. Thank you. Judges, scores bataiye. Remo D'Souza. Woo! Thank you. Madhuri Dixit. Thank you. Malaika Arora Khan. Thank you so much. Thank you. અમને વોટ કરવા માટે ટાઈપ કરો JDJ સ્પેસ 04 અને મોકલી દો 52525 પર યા ડાયલ કરે 505252504. MTNL ઓર BSNL યુઝર્સ કોલ કર સકતે હૈ 505252525 પર. થેન્ક યુ સો મચ. અપને ફેવરેટ સેલિબ્રિટી કો વોટ કરને કે લિયે આપ અપને ફુલ ટચ સ્ક્રીન કાર્બન મોબાઈલ સે ભી વોટ કર સકતે હૈ. ઇસકી અમેઝિંગ વિડિયો ક્વોલિટી હૈ. હમારે સિતારે ને જિંદગી મે કભી ડાન્સ નહીં કિયા થા पर आज नो डांस से उन्होंने 9 डांस फॉर्म्स के नाम तो जान लिए. 4 पर तो परफॉर्म भी कर चुके हैं. लेकिन आज हमारे शब्दों के मास्टर जी को लिरिकल हिप हॉप करना पड़ेगा. इस हफ्ते हमारा फॉर्म जो है वो लिरिकल हिप हॉप है. इसके बारे में पहले कभी मैंने नहीं सुना और ना ही मेरे पूर्वजों ने सुना था. 1 2 अप नाउ गो धाम. लकड़ी की काठी. अगर मुझे लिखने कहा जाए तो मैं तुरंत लिख दूं और तुरंत लिखने के बाद कहा जाए कि आप तुरंत इस पे डांस करें तो मैं शायद बेहोश हो जाऊंगा.
लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि झलक के आखिरी पड़ाव तक अगर मैं पहुँच गया तो जिस सफाई से और जिस तेजी से मैं लिरिक्स लिखता हूँ उसी तेजी से मैं एक दिन उस पर डांस भी करता हूँ। देवियों और सज्जनों, मॉल बंद करने की ये आखिरी घोषणा है। धन्यवाद। स्वागत है। रोमियो, शुरुआत आपसे करेंगे। शेखर जी, आप जिस तरीके से हर हफ्ते आते हैं और जिस तरीके से गो गेटर वाले एटीट्यूड में आते हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। और आज जो लिरिकल हिप हॉप किया उसमें आपकी पूरी मेहनत दिखी मुझे। एब्सोल्युटली थैंक यू पूरी मेहनत दिखी। और मैं अपने बीवी बच्चों से अलग हो गया इस चक्कर में। वो नाराज होकर अमेरिका चली गई और फिर वहाँ स्नोफॉल हो गया तो उसी बहाने वो रुक गई। अच्छा। और मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा और यही लिरिकल हिप हॉप कर रहा हूँ और लिरिकल करते करते हिस्टेरिकल हो गया हूँ। प्रीति से मेरा ये होगा कि अभी फिफ्थ वीक है। प्रीति, यू हैव टू यू नो पुल योर सॉक्स अप एंड यू हैव टू कम आउट विद सम रियली ग्रेट मूव्स। कुछ पोर्शंस मुझे अच्छे लगे, हार्ट बीट वाला पोर्शन मुझे अच्छा लगा जहाँ पे दो तीन पोर्शन किया था। शेखर जी, आप तो परफॉर्मर हैं, गलती वलती होती है उसको तो आप आराम से ऐसे निकाल लेते हो। सो वो देख लिया हमने। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में हिम्मत है तो खुदा आपकी मदद के लिए तैयार है। तो हिम्मतें मर्दा मदद खुदा। शेखर जी, जिस एनर्जी से आपने किया है, इट्स मतलब दाद देनी पड़ेगी आपकी। लेकिन इस मंच के लिए कि यू विल हैव टू गेट सम बेटर मूवमेंट्स और थोड़ा बेटर कॉन्सेप्ट्स आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी कंपटीशन इज रियली हीटिंग अप और आपको उस लेवल पे आपके परफॉर्मेंस को लाना पड़ेगा। तो दैट यू हैव टू वर्क ऑन, बट आपका हार्डवर्क तो बिल्कुल नजर आ रहा है शेखर जी, एंड हैट्स ऑफ टू यू, वेरी गुड। तो पहला आपका जो परफॉर्मेंस था, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ द शो। और इतने कॉन्फिडेंस से, इतने मतलब एनर्जी के साथ आप आए और वो आपने वो डांस किया यहाँ पे, आई थिंक वो हमारे सबके लिए हमारे दिमाग में बैठ गया, हमारे दिल में बैठ गया। सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बिकॉज़ उसके लिए हमें कोई 20-25 दिन मिले थे, सो आई कुड रियली कंसीडर बट द डेज आर गेटिंग शॉर्टर एंड द फॉर्म्स आर गेटिंग टफर। आपने मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया ना, बट आई थिंक उसके बाद और आज तक जितने भी सारे परफॉर्मेंसेज, आई थिंक आज का जो परफॉर्मेंस था, आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा मुझे एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दी, बिकॉज आज का परफॉर्मेंस सबसे डिफिकल्ट रहा।
जितने भी आपने स्टेप्स आपने किए यहाँ पे, फॉर मी